हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षी क्रिएटिव कॉर्नर। और मेरे सभी दोस्तों को मीनाक्षी का प्यार भरा नमस्कार। और आप सब लोग कैसे आ रही है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि फ्रेंड्स फेस्टिवल्स की शुरुआत हो चुकी है, तो उसी को देखते हुए आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ ही वेस्ट टुकड़ों से आज मैं आप लोगों को डोर वॉल हैंगिंग बनाना बताऊंगी। क्योंकि अक्सर देखिए इस तरीके के सुंदर सुंदर हम लोग के पास में कुछ दुपट्टे या साड़ी के पुराने बॉर्डर्स पड़े रहते हैं, जिनको हम यूज़ करके सुंदर सा एक DIY बनाएंगे। तो देखिए मैंने एक एलिफेंट का कटआउट लेके बनाया और उसके बाद में उस कटआउट को मैंने इन वेस्ट कपड़े के ऊपर रख के ड्रॉ कर दिया है। और इसको ड्रॉ करके फिर हम इसको कट कर लेंगे। तो अब देखिए इसको ड्रॉ कर लिया है फ्रेंड्स इस तरीके से। आप चाहे तो एलिफेंट की जगह कैमल भी ड्रॉ कर सकते हैं या बर्ड्स का भी कर सकते हैं, आपकी पूरी पूरी चॉइस है। जैसा आपको पसंद हो आपका सा ड्रॉ करके उसका आप इस तरीके से कट कर लीजिएगा। और इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स हमारी यूज वेस्ट चीज़ भी यूज में हो जाती है और घर भी डेकोरेट हो जाता है। तो अब देखिए ये इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है एलिफेंट को। और अब हम इसको क्या करेंगे, निडिल की हेल्प से हम इसको किनारे किनारे तुरपन कर लेंगे। और फ्रेंड्स आप चाहें तो स्टिच भी करवा कर सकते हैं मशीन से, बट मुझे ये थोड़ा ज़्यादा इजी लगा तो मैंने ये प्रेफर किया। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा स्टिच हो जाएगा। और स्टिच करने के बाद में अब हम इसमें कॉटन या फिलर जो आपके पास अवेलेबल हो आप इसके अंदर फिल कर दीजिए। तो मैं इस तरीके से इसको देखिए मैंने इसको अंदर फिल कर दिया है। और इस तरीके से देखिए ये देखिए हमारा कुछ फिल होने के बाद में कुछ इस तरह से एलिफेंट का शेप आ जाता है। और अब देखिए फ्रेंड जो हमारे पास बॉर्डर होते हैं तो उनको देखिए मैं इस तरीके से एलिफेंट की गद्दी के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने इसको गद्दी के लिए यूज़ किया है। और आप चाहें तो अगर ना हो इस तरीके के बॉर्डर तो आप प्लेन कपड़े भी यूज़ करके और उसके ऊपर कुछ स्टोन्स मिरर, देखिए मैंने ये कुछ कपड़े प्लेन भी मैंने बॉर्डर यूज़ किए हैं तो इनको मैंने बाद में डेकोरेट कर दिया है मिरर से, या सीक्वेंस हो यार आपके पास अच्छे अच्छे तो उस तरीके से आप उनको जो यूज़ में ले सकते हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप। देखिए मैंने ये लेस ली है और इसको मैं एलिफेंट के पैरों पे नीचे देखिए इस तरीके से यूज़ किया है। और ये हम चारों में इस तरीके से लगा लेंगे तो एलिफेंट हमारा बहुत जितना डेकोरेटिव लगेगा उतना ही खूबसूरत हमारा डोर वॉल हैंगिंग रेडी होगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने आइज भी लगा ली और पैरों में इनके लेस भी लगा ली है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, मैं इसकी साइड में जो स्टिच के जो थ्रेड है उसको थोड़ा हाइड करने के लिए मैंने ये गोल्डन कलर यूज़ किया है फ्रेंड्स। तो इनको जो है मैं इस तरीके से किनारे किनारे लगा के और इसको जो है मैंने थ्रेड्स को हाइड कर दिया है। अगर आप चाहें तो गोटा या लेस कोई पतली वाली हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स हमारे पूरे एलिफेंट्स बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। कितने खूबसूरत एलिफेंट हमारे रेडी हुए हैं। तो अब देखिए इसको हैंग करने के लिए मैंने ये कुछ मल्टी कलर्स के बीड्स पॉम पॉम, ये मल्टी कलर्स के पॉम पॉम, अगर आपको प्लेन मिले तो प्लेन यूज़ कर लीजिए, मैंने मल्टी कलर के पॉम पॉम यूज़ किए हैं। मिरर ये देखिए कुछ बड़े साइज़ के ये मिरर मैंने यूज़ किए हैं। और फ्रेंड्स जो आपके पास अवेलेबल हो उसको डेकोरेट करने का वो यूज़ करिए। और मैंने कुछ कौड़ियाँ भी ली हैं, अगर आपको कौड़ी नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं आप ऐसे भी बना सकते हैं। और बेल मेरे को नहीं मिली तो फ्रेंड्स अगर आपको बेल मिले तो आप बेल भी यूज़ कर लीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने थ्रेड पे इसको जो है एक नीचे लास्ट में टैसल को यूज़ करते बेल की जगह और करके फिर मैंने इसको जो है स्टार्ट किया है। अब देखिए इसमें मैंने एक बीट को डाल दिया है मोती को और इसके बाद में हम मिक्स करके गोल्डन फिर रेड फिर गोल्डन फिर रेड इस तरह की लेयर में लगाते जाएंगे। और फिर इसके बाद में एक हमारी लेयर इस तरीके से कंप्लीट होगी। तो देखिए फ्रेंड्स तो देखिए इस तरीके से अब हम इसके बाद में अब हम कौड़ियों को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे कौड़ी भी लगाया है नीचे साइड में और इस तरीके से लगा के
ये हमारा बहुत ही खूबसूरत, अगर कौड़ी मिल जाती तो ये बहुत ही एकदम बहुत ही इसका गेट बहुत ही अच्छा ये निखर के आता है। और अब इसके बाद में देखिए हमने पॉम्पॉम को यूज़ किया, पॉम्पॉम डाला, फिर हम बीट्स की एक लेयर लगाएंगे, रेड गोल्डन इस तरीके से देखिए। अब हमने ये हमारी एक लेयर ये कंप्लीट हो गई। अब हम इसके बाद में मिरर को यूज़ करेंगे, तो मिरर को अब हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हमने यहाँ पे मिरर को पेस्ट कर दिया, तो इस तरीके से हमारी एक लेयर ये रेडी हो गई। फिर हम बीट्स वाला फिर से वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे, एक बार रेड एक बार गोल्डन, ये बीट्स की एक लेयर फिर यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से मैं बना रही हूँ, और आप भी इस तरीके से अपने हाथों से बनाइए, और आपको भी देख के बहुत खुशी होगी और जल्दी ये बन भी जाते हैं ईजिली। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, एलिफेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमने एलिफेंट को यहाँ पे अब हम इस समय अब एलिफेंट को अब लगाएंगे मिरर के बाद में बीट्स, और बीट्स के बाद में फिर हम एलिफेंट को यूज़ करेंगे इस तरीके से। देखिए हम इसमें लगा लेंगे फ्रेंड्स, और अब हम फिर से एक बीट्स की लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। यही पैटर्न हमें बार बार अप्लाई करते हुए जाना है, और इस तरीके से पहले बीट्स, फिर कौड़ी, फिर बीट्स, फिर मिरर, इस तरीके से हम ये यूज़ करेंगे। देखिए अब हमने फिर यहाँ पे मिरर को यूज़ किया है, देखिए फ्रेंड्स ये देखिए, तो इस तरीके से हम इस तरीके से पूरा जो है अप्लाई करते चले जाते हुए पूरे अपने एलिफेंट्स को इस तरीके से हैंग करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा डोर वॉल हैंगिंग पूरा रेडी हो जाता है। देखिए बनने के बाद में कितना खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो ये मार्केट वाले से भी बहुत सुंदर लगा फ्रेंड। आप लोग भी बताइएगा ये आपको कैसा लगा देखने में, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब देखिए ये हैंग करने के लिए मैंने ये जो की रिंग्स होती हैं और उनको जो है मैंने यूज़ करते हुए की रिंग का रिंग लेके और उसके ऊपर मैंने गोल्डन लेस को रिंग चारों तरफ से इसको जो है लपेट के पेस्ट कर दिया, ताकि ये आराम से इसका ये हैंगिंग बन जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हम इसको लगा लेंगे इसको। अब इसको पेस्ट कर लिया हमने, तो ये देखिए हमारा रिंग बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको निडिल की ही हेल्प से इसको जो है हम यहाँ पे अच्छे से नॉट लगा लेंगे, तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा हैंग करने के लिए। और हमारा वॉल हैंगिंग, डोर वॉल हैंगिंग बिल्कुल रेडी है, और आप इसको इस तरीके से टांगिए, बहुत खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने तो इतनी लंबी लटकन बनाई है, और आप चाहें तो इस इतने में दो भी आप बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगती हैं फ्रेंड्स ये। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से देखिए हमारी कितनी खूबसूरत लग रही है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी फ्रेंड्स। और मेरे चैनल पे नए आए हों तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल विद बेल बटन, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा मेरे वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड्स ये टांगने के बाद में कुछ इस तरीके का लग रहा है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लोग में कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। ये इस तरीके के एलिफेंट्स मैंने ये बनाए हैं, मुझे तो ये मार्केट वाले एलिफेंट से भी बहुत खूबसूरत लग रहा है जो मार्केट में आते हैं वॉल हैंगिंग्स। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का ये मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल विद बेल बटन, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स इसी और तरीके के एक इंटरेस्टिंग से DIY वीडियो के साथ में, और अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दिया करिए आप लोग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।